अगर आपने हमारे चैनल टेलरिंग इन हिंदी को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और ऑन कीजिए बेल आइकन को, जिससे हमारी हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। नमस्कार, आज मैं आपको बताऊंगी पटियाला लुधियाना सलवार की स्टिचिंग, जिसकी कटिंग मैं पहले डाल चुकी हूँ। सबसे पहले हम मोरी बनाएंगे। तो ये हमारा उल्टा है, उल्टे के ऊपर हम ये बुकरम को रखेंगे। इसकी चौड़ाई हमने बुकरम की 3 इंच की ली है। अगर आप चाहें तो 2 इंच की भी ले सकते हैं। तो यहाँ पे हम पहले बुकरम के ऊपर सिलाई लगाएंगे। अब इसको हम डबल करेंगे एक बार और। अब इसके ऊपर हम सिलाई लगाएंगे जैसे हम मोरी बनाएंगे। अब इसके ऊपर हम यहाँ से इस तरीके से टेढ़ी सिलाई लगाएंगे मोरी के ऊपर। अब यहाँ पे बगल की साइड हम कलियों को जोड़ेंगे। ये हमारी सीधी वाली साइड है और ये हमारी 2 कलियाँ हैं। यहाँ पे ये कली हमारी दोनों जुड़ी हुई है, तो इनको हम अलग करेंगे। ऊपर की साइड से हमें जोड़ना है सीधी सीधी सिलाई है और ये दोनों साइड सीधी है। यहाँ से हम कपड़े को दबा के सिलाई लगाएंगे क्योंकि ये साड़ी का कपड़ा है। अब यहाँ से इसको मोरी के बराबर काटेंगे और दूसरी साइड भी इसी तरीके से सिलाई लगाएंगे। अब ये दोनों साइड हमने कलियों को जोड़ लिया है। अब यहाँ से हम इसमें चुन्नट डालेंगे 1-1 इंच की, इस तरीके से 1 इंच अंदर की साइड दबा के हमें इसके ऊपर सिलाई लगानी है। अभी हम इसमें आसन भी जोड़ेंगे। तो अभी हम पहले इसमें चुन्नट डालेंगे। अभी हमने चुन्नट डाल ली। अब हम इसमें आसन जोड़ेंगे। अभी यहाँ से यहाँ पे हमें 8 इंच की जो लंबाई छोड़ी है आसन के लिए, और यहाँ से इसको जोड़ेंगे। अब दूसरी साइड भी इसी तरीके से जोड़ेंगे। अब यहाँ पे भी हमें इसी तरीके से चुन्नटें डालनी है। अब दूसरी साइड भी इसी तरीके से जो हमने ये आसन जोड़ा है। अब हम इसमें बेल्ट को जोड़ेंगे। अब यहाँ से हम इसको बराबर करके निशान लगा लेंगे। और यहाँ से चुन्नटों को बराबर करके निशान लगाएंगे। अब ये दोनों निशानों को हम बराबर जोड़ेंगे। अगर हमारी चुन्नटें ज्यादा हैं बेल्ट से तो हम इसको बीच में इस तरीके से दबा सकते हैं। अब दूसरी साइड भी इसी तरीके से सिलाई लगाएंगे। अब
अब इस बेल्ट के ऊपर सिलाई लगाएंगे और एक कपड़े को ऊपर की साइड करके इसके ऊपर सिलाई लगानी है बेल्ट के ऊपर, और नीचे का कपड़ा दबना चाहिए। अब हम मोरी की फिटिंग करेंगे, इसे हमें डबल करके अब यहाँ पे हम निशान लगा लेंगे। जैसे हमें 12 इंच की मोरी चाहिए तो 6 इंच पे हम निशान लगाएंगे तिरछा निशान, इसको हमें इस तरीके से तिरछा निशान लगाना है। अब यहाँ पे हमारा ये आसन आ रहा है तो हमें यहाँ से दोबारा सिलाई लगानी है। इसी तरीके से हम दूसरी साइड मोरी बनाएंगे और एक कलियों को जोड़ेंगे और यहाँ पे आसन को जोड़ेंगे। अब ये कली को जोड़ लिया हमने और यहाँ पे आसन वाला टुकड़ा भी जोड़ लिया है। अब हम इसमें चुन्नट डालेंगे, तो पहले हमने इधर की साइड चुन्नट डाली थी, अब हम दूसरी साइड इस तरीके से चुन्नट डालेंगे। अब हम इसमें बेल्ट को जोड़ेंगे। अब बेल्ट को जोड़ेंगे, तो ये हमने पूरे पे चुन्नट डाली है, तो यहाँ से हम इसको इस तरीके से जोड़ेंगे। ये हमारा सीधा है, सीधे के ऊपर हमें बेल्ट को रखेंगे और यहाँ पे चुन्नटें ज्यादा हो रही हैं तो हम यहाँ पे बीच में एक दो चुन्नटें इस तरीके से बढ़ा लेंगे तो हमारी बेल्ट बराबर आएगी। अभी बेल्ट पूरी आ गई है, अब इसके ऊपर सिलाई लगाएंगे और ये कपड़े को ऊपर के साइड रख के अंदर का कपड़ा दबना चाहिए। अभी हमारा बेल्ट लग गया है, अब इसमें हम दूसरा पल्ला जोड़ेंगे। यहाँ से अब जैसे हमने इधर की साइड फिटिंग की है मोरी की और यहाँ से हमने आसन को छोड़ दिया है, तो इसी तरीके से हम इसकी भी फिटिंग करेंगे और आसन वाली सिलाई को छोड़ देंगे। तो यहाँ से हम इसको डबल करेंगे। अब जैसे हमारी मोरी 12 इंच की है तो हम यहाँ पे निशान लगा लेंगे 6 इंच पे, और इसको हमें इस तरीके से तिरछा निशान लगाना है। अभी आसन है तो यहाँ पे डबल सिलाई लगाएंगे। अब यहाँ पे ये दूसरा वाला आसन और दोनों को हम जोड़ देंगे इस तरीके से, यहाँ से हमें बराबर मिलाना है। अब यहाँ पे हम 1.5 इंच को खुला रखेंगे नेपे को, जो हमारी बेल्ट है। अब यहाँ पे हम सिलाई लगाएंगे दोनों साइड।
अब एक एक इंच हम यहाँ पे नेफा बनाने के लिए अंदर की शर्ट कपड़े को दबाएंगे। अब इसको हम सीधा करेंगे। अब हमने इसको सीधा कर लिया है और इसमें हमारी दोनों साइड आगे और पीछे का चुन्नट आई है। तो ये हमारा पीछे का पल्लर है और यहाँ पे ये हमारा आगे का पल्लर है। और हमने जो आसन के टुकड़े जोड़े थे वो हमारे यहाँ पे आए हैं, यहाँ पे वो दिखाई भी नहीं दे रहे हैं। और यहाँ से हमने कलियों को लगाया है ऊपर की साइड से, दोनों साइड हमारी ये कलियाँ हैं। और ये दोनों प्लेटें हमने अलग अलग डाली है, इसका मुंह हमने इधर की साइड किया है और इसका मुंह इधर की साइड किया है। दोनों को हमने अलग अलग डाली है, एक ही बराबर नहीं डाली है। फिर आप पूछते हैं कि कैसे डालें प्लेटें, इसका मुंह इधर की साइड है और इसका मुंह इधर की साइड है। तो इसी तरीके से हमारे पीछे की साइड भी इसी तरीके से प्लेटें डली हुई है। और इस पे हम अच्छे से प्रेस लगा के इस तरीके से प्लेटों पे प्रेस लगा लेंगे। ये बन गई हमारी लुधियाना पटियाला सलवार। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज हमारी इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। अगर आप हमसे कुछ पूछना चाहती हैं तो आप हमें नीचे कमेंट करें। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।